में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 7 दिन में आपकी अपनी खोई हुई 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 7 दिन में मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस अपनाना है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, इस वीडियो से रिलेटिव आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब आपका कीमती समय लिए बिना मैं आपको सिर्फ 7 दिन में आपकी खोई हुई 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट कैसे मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है, जैसा कि इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन करता। अब आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको टाइप करना है BSER और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक कैंटर पेज खुलकर ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी जो मेन वेबसाइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो मेन वेबसाइट है, वो खुलकर ओपन होती है। अब इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी 10वीं और 12वीं की खोई हुई मार्कशीट सिर्फ 7 दिन में मंगवा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर की तरफ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी जो सर्विसेज है वो खुलकर ओपन होती है। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स एंड फीस पेमेंट फॉर करेक्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इसका जो है अदर पेज है वो खुलकर ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, फाइल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुलकर ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट में आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, यानी कि जिस क्लास की आपको मार्कशीट मंगवानी है। यदि 10वीं क्लास की मार्कशीट मंगवानी है तो आपको सेकेंडरी सेलेक्ट करना है, यदि आपको 12वीं की मार्कशीट मंगवानी है तो आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि आपको माइग्रेशन मंगवाना है तो आप जिस क्लास का माइग्रेशन मंगवाना है उस क्लास को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको क्या मंगवाना है, डुप्लीकेट मार्कशीट या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या माइग्रेशन मंगवाना है, जिस डॉक्यूमेंट को आपको मंगवाना है उसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसा कि मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवानी है, और उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने 10वीं सेलेक्ट किया तो 10वीं कब की थी, 12वीं सेलेक्ट किया तो 12वीं कब की थी, उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जैसा कि 2023 में। अब उसके बाद में आपके सामने अपनी जो इसकी जो डॉक्यूमेंट मंगवाने की जो फीस है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको अपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, फादर्स नाम लिखना है, मदर्स नाम लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, रिपीट मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर आपको लिखना है। उसके बाद में आपकी मेल आईडी लिखनी है और रोल नंबर लिखना है। ये रोल नंबर आपको जिस क्लास की मार्कशीट मंगवानी है उसी क्लास का रोल नंबर आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस फिलअप करना है, जिस एड्रेस पर आपको अपनी मार्कशीट मंगवानी है, अपना डॉक्यूमेंट मंगवाना है, वो पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यदि आपकी मार्कशीट आपको हैंड हाथों हाथ चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है, यानी कि आप खुद स्वयं वहाँ अजमेर बोर्ड पर लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आपको पोस्टल एड्रेस से मंगवाना है तो इसे आपको सेलेक्ट नो करना है, ठीक है, कोई सेलेक्ट नहीं करना है। आपको पोस्ट के माध्यम से मंगवाना है तो आपको ऐसे के ऐसा रहना देना, ठीक है। यदि आप अपने खुद आप अपने अजमेर बोर्ड से लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिलीवर बाय हैंड, ठीक है। उसके बाद में आपको पिन कोड आपको दर्ज करने हैं, और उसके बाद आपको अपने आधार नंबर फिलअप करने, ठीक है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ नो रेड लाइन में आपको लिखा हुआ है
फॉर डॉक्यूमेंट अटेस्ट फुल आधार कार्ड कॉपी, अदरवाइज फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ आधार कार्ड अटेस्ट करना है, यदि आपके द्वारा अदर कोई किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया जाता है तो उसे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सिर्फ आधार कार्ड ही अटेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना पेमेंट पे करना है। जैसे आप पेमेंट पे करेंगे तो उसकी जो रसीप्ट है, रसीद है, वो आपको संभाल कर रखनी है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद में आपके 7 वर्किंग 7 डेज में आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो आपके पोस्टल एड्रेस के साथ आपके घर पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने खोई हुई मार्कशीट या खोया हुआ डॉक्यूमेंट घर बैठे अपने मोबाइल से भी 7 दिन में, सिर्फ 7 दिन में आपकी खोई हुई मार्कशीट मंगवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा होगा, काफ़ी लाभदायक भी रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।